मात्र 2 मिनट में पीले दांत को दूध की तरह चमका देगा ये रामबाण उपाय, आज ही करें इस्तेमाल। आज के समय में लोगों की गलत खान पान की आदतों की वजह से उनके दांत बहुत ही जल्द खराब होने के साथ साथ उसमें पीलेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दांतों के खराब होने और पीलेपन की समस्या उत्पन्न होने के बाद लोग अपने दांतों को ठीक करने के लिए बाजारों में मिलने वाले तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करते हैं, परंतु बाजारों में मिलने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी इसका कोई असर उनके दांतों के ऊपर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परंतु अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आजमाने के 2 मिनट बाद आपका दांत मोती की तरह चमक उठेगा। तो चलिए जानते हैं उस घरेलू नुस्खे के बारे में। दांतों की चमक को बढ़ाने के लिए बनाए जाने वाले इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ आसानी से बनने वाली चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन चीजों में सबसे पहला लौंग, नींबू, बेकिंग पाउडर और रोजाना इस्तेमाल में लाए जाने वाला पेस्ट। इन सभी चीजों को ले लेने के बाद आपको सबसे पहले 5 लौंग को लेकर उसका चूर्ण तैयार करना होगा। 5 लौंग के चूर्ण को तैयार करने के बाद आप उस चूर्ण को एक छोटी सी कटोरी में रख दे। छोटी सी कटोरी में रखने के बाद आप उस चूर्ण में पहले नींबू के रुपए की थोड़ी मात्रा डालें और उसके बाद उसमें बेकिंग सोडा और पेस्ट को भी डालकर एक मिश्रण तैयार कर ले। बेकिंग सोडा, पेस्ट, नींबू और लौंग को मिलाकर तैयार किए गए इस मिश्रण से आपको सुबह के वक्त ब्रश करना है। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद अगर आप सप्ताह में 2 से 3 दिन ब्रश करते हैं तो आपके दांत पूरी तरह से मोती की तरह चमक उठेंगे। दांतों के चमकाने के साथ ही यह आपके दांतों में होने वाली तरह तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। दांतों की चमक के बढ़ाने के बाद आपकी स्माइली काफी खूबसूरत हो जाएगी और आपको बाद में किसी भी व्यक्ति के सामने स्माइल करते वक्त आपको अपनी दांतों की वजह से शर्माना नहीं पड़ेगा।